पतंग उड़ाने का मौसम आने वाला है। रिंकी को एक नई पतंग खरीदनी है। सुनो बबले, हम पतंग उड़ाते हैं कल। क्या मैं भी आ सकती हूँ? रिंकी! हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें पहले पतंग खरीदनी होगी। हाँ जरूर, अभी पतंग खरीदती हूँ। तुम्हारी पतंग, मिलते हैं जल्द। हेलो रिंकी, क्या मुझे एक पतंग मिल सकती है? सॉरी, सब पतंग बिक चुकी है। वो आखिरी पतंग थी जो मैंने उसे दे दी। ये देखो। एक मिनट दादाजी, कल आप मेरे लिए पतंग ला सकते हैं? पतंग खत्म हो चुके हैं, अगले हफ्ते ही आएंगे। और तब तक तो ओकेशन खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास मटेरियल है तो तुम पतंग बना सकते हो। क्या सच में? ये तो अच्छी आइडिया है, कहाँ से शुरू करें? पहले तुम्हें मटेरियल ढूंढने होंगे। तुम छोटी लकड़ियाँ यूज कर सकते हो फ्रेम बनाने के लिए। फिर ग्लू की मदद से पेपर को चिपका दो। हा? पतंग तैयार है। सुनो भूल जाओ, वो बहुत कठिन है और बहुत उलझा हुआ भी। तुम नहीं बना पाओगी। ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं पतंग नहीं बना पाऊंगी? रिंकी, ये गुस्सा क्यों हो गई? राजकुमार लल्लू, रिंकी तुम्हारे साथ पतंग उड़ाना चाहती थी और तुमने उसे नाराज कर दिया। सच में? मेरी वजह से? हाँ, बहुत मुश्किल है, मैं पतंग नहीं बना पाऊंगी। राजकुमार लल्लू ठीक कह रहा था। सुनो भूल जाओ, वो बहुत कठिन है और बहुत उलझा हुआ भी। तुम इसे बना नहीं पाओगी। उसकी इतनी हिम्मत! पहले छोटी लकड़ियाँ, फिर बड़ी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुम इन मोटी लकड़ियों से पतंग नहीं बना पाओगी। तुम्हें कैसे पता? पर ये बहुत मोटी लकड़ियाँ हैं। तुम जाकर मिस्टर की से क्यों नहीं पूछती? चलो पूछते हैं उनसे। माफ करना पापा, तो अभी चले गए, मुझे बताओ। मुझे उनसे ये पूछना था कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ पतंग बनाने के लिए। ये लकड़ी भारी है, इस लकड़ी से कुर्सी बनती है, इससे तुम पतंग नहीं बना पाओगी। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। ओहो, मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें ये बांस इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हल्की और मजबूत होती है। बांबू बहुत फ्लेक्सिबल है। तो क्या तुम मुझे इन लकड़ियों के बदले बांबू दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं। शुक्रिया, अब हमारे पास लकड़ियाँ हैं, बस अब रस्सी की जरूरत है। लल्लू, वहाँ देखो, एक मजबूत रस्सी है। ये बहुत ही मजबूत है। नहीं नहीं, ये मोटी रस्सी है। तुम मछली पकड़ के ही रहोगे? मिस्टर कछुआ मछली पकड़ रहे हैं, चलो देखते हैं। मिस्टर कछुआ, मछली को पकड़ लो, मछली को पकड़ लो। रात के खाने का बंदोबस्त हो गया। वाह, आपकी रस्सी मजबूत है, आपने बड़ी मछली जो फंसाई। ये रस्सी मेरी हड्डियों से ज्यादा मजबूत है। ये कितनी हल्की और स्ट्रॉन्ग है। पतंग बनाने के लिए ये रस्सी तुम्हारे लिए अच्छी होगी। ना 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 ना, मछली पकड़ने वाली रस्सी। वुहू, तुम दुखी क्यों हो गई? हमने ग्लू तो लिया ही नहीं, सब जगह बिक चुका है, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। और वो क्या है? जल्दी भागो, कहीं छुप जाना चाहिए। जरा आराम से करो, ये मम्मी की दवाई है, जादू जैसा काम करेगी, तुम ठीक हो जाओगे। अब हमारे पास सब कुछ है, चलो शुरू करें। ये तुम्हारी पतंग अच्छी बनेगी। मेरा पेपर उड़ गया। रुक जाओ। ओह नहीं। कोच डर रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? हम पतंग बना रहे हैं। हाँ, पेपर बहुत कमजोर है तुम्हारी पतंग के लिए। हाँ। अच्छा सुनो,
तुम मेरा पुराना चाता इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ? हाँ? ये कपड़ा यूज कर लो। हाँ? शुक्रिया। बहुत बढ़िया, अब हम बना सकते हैं। दोस्त मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारा शहद का डब्बा गिरा दिया। वो शहद का डब्बा नहीं था। मुझे माफ कर दो। बड़े, हम वो शहद ग्लू की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। अब सारा गिर गया, एक बूंद भी नहीं मिला हमें। अब तुम्हें शहद देना। मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, ये एक चिपको पुड़िंग है, इसे चिपका लो। बहुत बढ़िया, अब हम पतंग बना सकते हैं। ये पतंग तैयार है, चलो अब इसे उड़ाते हैं। इसे जोर से उड़ाना। अब हम एक और बार कोशिश करेंगे। हाँ, इस बार जरूर उड़ेगी मेरी पतंग। चलो तो फिर तैयार हो जाओ। ये ठीक से उड़ नहीं रही है। हाँ, मुझे पता है, शायद हवा की दिशा उल्टी है। हाँ? हवा पश्चिम में बह रही है। इसी दिशा में उड़ाते हैं। चलो रेंगे। हाँ, ये काम कर जाएगा। हाँ? रिंकी, क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है कि हमारी पतंग उड़ने ही नहीं वाली। क्यों नहीं उड़ रही है ये? नाराज मत हो रिंकी, तुम कल मेरी पतंग उड़ा सकती हो। हाँ क्यों नहीं, मेरी पतंग उड़ाने के लिए तुम ले सकती हो। तुम दोनों का शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा ये बार बार नीचे क्यों गिरती है। हाय बेटा। हाँ? ये तुम्हें कहाँ से मिला, कितनी सुंदर है। मैंने खुद बनाई है इसे, पर ये उड़ती नहीं है। तुम कुछ छोटी चीजें भूल गई हो, मुझे लगता है हमें इसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा। हाँ? देखते हैं। देखा, ये नीचे गिर जाती है। हाँ, मैं इसमें पूंछ लगा देता हूँ, जिससे बैलेंस बना रहेगा। पूंछ हमेशा पतंग से लंबी होनी चाहिए। हाँ? तो चलो अब इसे चिपका देते हैं, मुझे लगता है अब ये काम करेगा। हाँ, सच में ये काम कर रहा है। चलो थोड़ा इसे ठीक करते हैं, तो फिर ये आराम से उड़ेगी। चलिए इसे फिक्स्ड करते हैं। मैं तुम्हारी उल्लू वाली पतंग पकड़ता हूँ, बस रुको और देखो। ये मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़ रही है। ये क्या है? वो रिंकी है। हे रिंकी, सचमुच तुम्हारी पतंग तो उड़ रही है। कल मैंने और मेरे डैड ने इसकी पूंछ ऐड कर दी, अब ये एक परफेक्ट पतंग है। रिंकी, तुम्हारी पतंग बहुत सुंदर है। हाँ, बुरा कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं सबसे ऊंची पतंग किसकी होती है। हाँ, हम खेलेंगे। वाह रिंकी, तुम्हारी पतंग तो कमाल है। रिंकी की पतंग तो लल्लू की पतंग से भी ज्यादा ऊपर उड़ रही है। मेरी बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करो और फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए।